दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की जहरीली हवा में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आज भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र और दिल्ली की सरकार को कोर्ट को ये बताना है कि उनके पास लोगों को जहरीली हवा से बचाने का उपाय क्या है। दिल्ली सरकार के स्कूल और दफ्तर आज से 7 दिन के लिए सिर्फ ऑनलाइन चलेंगे, यानी कि जो दफ्तरों का काम है वो वर्क फ्रॉम होम स्टेटस पर रहेगा। उधर हरियाणा के भी 4 जिलों में 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा हवा से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 सांस पर संकट। पिछले कुछ दिनों से गैस चैंबर में तब्दील हुई देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात प्रदूषण के स्तर में रविवार के मुकाबले थोड़ी कमी दर्ज की गई। हालांकि अब भी ये बहुत खतरनाक श्रेणी में है। दिल्ली में आज सुबह 5 बजे एयर क्वालिटी का स्तर यानी AQI 318 दर्ज किया गया। रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 400 के आसपास था। वहीं दिल्ली के पास नोएडा में भी रविवार की तुलना में आज सुबह वायु प्रदूषण में थोड़ी कमी दिखाई दी। नोएडा में सुबह 5 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए प्रदूषण कम करने और लोगों को इससे बचाने के लिए योजना पेश करने को कहा था। आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों के लिए पॉल्यूशन लॉकडाउन लगाने का प्लान भी पेश कर सकती है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दमघोटू हवा और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ी बैठक की है। आयोग की बैठक में दिल्ली समेत संबंधित राज्यों के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत इमरजेंसी उपायों को लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी ने माना है कि मौजूदा एयर क्वालिटी थार रेगिस्तान की दक्षिण पश्चिमी दिशाओं से आने वाली धूल भरी आंधी से बहुत अधिक प्रभावित हुई, जिससे भारी मात्रा में धूल आ गई है। CQAM ने दिल्ली की तर्ज पर एनसीआर के जिलों में स्कूल बंद करने के साथ निर्माण कार्यों पर रोक जैसी पाबंदियां लगाने की सलाह दी है। गैस चैम्बर में तब्दील हुई दिल्ली में आज से सभी स्कूल अगले 7 दिनों तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 2 दिन पहले ही आज से अगले 7 दिनों तक दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी दफ्तरों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी कर दिया था। 17 नवम्बर तक दिल्ली में निर्माण कार्यों पर भी रोक रहेगी। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की तरह हरियाणा सरकार ने भी कुछ कड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ पराली और कूड़ा जलाने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। जानलेवा प्रदूषण का असर कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पतालों की रिपोर्ट के मुताबिक जहरीली हवा से कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के एक साथ कई अंग प्रभावित हो रहे हैं। लीवर के मरीजों को सांस लेने में मुश्किल के साथ यूरिन से जुड़ी समस्या भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में किडनी और लीवर के रोगियों की संख्या ही 30 से 40% तक बढ़ गई है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रविवार को साइकिलिंग को बढ़ावा देने वाले राहगीरी अभियान में हिस्सा लिया। सिसोदिया ने कहा कि राहगीरी को जन जन तक पहुंचाएंगे, इसके जरिए प्रदूषण कम करने की जागरूकता लाने की कोशिश है। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 170 जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाए गए स्मॉग टावर के जरिए भी प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जा रही है। स्मॉग टावर से 1 किलोमीटर के दायरे में 60 से 70% प्रदूषण कम होने का दावा किया जा रहा है। IIT बॉम्बे और दिल्ली इससे मिलने वाली राहत को लेकर रिपोर्ट 3 महीने में देंगे। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि क्या स्मॉग टावर काम कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।